हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी अपना वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है हंसराज चौहान, हमारा चैनल है CICM क्लासेस, मतलब आप मुझे जो देख रहे हो वो CICM क्लासेस पे देख रहे हो, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ा था, मैंने कंप्लीट लेक्चर करा दिया था और आपने पढ़ लिया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, पूरा पोर्शन समझते हैं वीडियो के साथ। अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है बेटा। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन के बारे में आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये छोटी छोटी बातें आपने पिछले क्लासेस में देखी थी। अब फिलहाल आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर बात की जाए तो जो एल्कोहल है ये सर 1 डिग्री में होता है, एल्कोहल बेटा 2 डिग्री होता है, और एल्कोहल कितना होता है 3 डिग्री, हाँ या ना, होता ही होता होता है। तो सर ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना है। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको जो मेन चीज रिक्वायर रहेगी वो रहेगी बेटा अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। कि सर ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो, और अगर नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो किसकी होगी, अल्फा हाइड्रोजन की। क्लियर है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। क्लियर बेटा। अब देखिए अगर एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये क्या होता है कि सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा होगा बेटा, एक कार्बन से, हाँ ना। तो ये क्या होता है आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, यही होता है बेटा, हाँ। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा बेटा, एक कार्बन से। तो ये क्या हो गया आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो सर OH ग्रुप से जुड़ने वाला जो पहला कार्बन है इस पहले कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन ये क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो। अब दो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब सर यहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा। तो बेटा एल्कोहल का जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन कर दो, अब ऑक्सीडेशन किस किस के साथ, मतलब कौन कौन से रिएजेंट यूज करने हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। तो सर जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो इनिशियल डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि सर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट क्या होता है बेटा, रिडक्शन, हाँ। तो बेटा जब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकले किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। H2 की फॉर्म में अगर हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया तो यहां पे ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे क्या बचेगा, एक सिंगल हाइड्रोजन, हाँ। यानी कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, एल्डिहाइड में, किसमें होगा बेटा, एल्डिहाइड में। और सर जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है, एल्डिहाइड का फर्दर क्या कराया जाए बेटा, ऑक्सीडेशन, तो सर ये ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो एडिशन है वही क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीजन इस OH के साथ जुड़ गया तो यहां पे क्या आएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे क्या गया H। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो यहां से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो ये छोटी सी कहानी थी। यानी कि सर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन दो है तो ऑक्सीडेशन भी कितनी बार हो रहा है बेटा, दो बार। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये छोटी सी कहानी है, मतलब यहां से एक छोटी सी चीज समझ में आ रही, वो क्या है कि सर ऑक्सीडेशन की कंडीशन तभी पॉसिबल हो रही है जब उसके पास क्या बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो दो अल्फा हाइड्रोजन, और दो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब सर यहां पे ऑक्सीडेशन कितनी बार होगा बेटा, दो बार। सर एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूं तो, यानी कि रिडक्शन की अगर बात की जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया जाए तब क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए सेकंड, देखिए सर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, दो कार्बन से, और दो कार्बन से जुड़ रहा है इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा, 2 डिग्री, हाँ। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, दो से।
अब OH ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन है ना सर। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की कंडीशन अप्लाई होगी तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना बेटा, एक, और अल्फा हाइड्रोजन एक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी कितनी बार होगा, एक बार। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो सर यहाँ से ये दो हाइड्रोजन एच टू की फॉर्म में बाहर मूव करेंगे, तो सर यहाँ से क्या बचा, सर ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, यानी कि सर यहाँ से क्या बनेगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री आया। यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, कीटोन की, क्लियर। सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक था, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कितनी बार होगा बेटा, एक बार, यानी कि सर आगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर बेटा आपने कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा, जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना है बेटा, 3 डिग्री है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, और 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब सर यहाँ पे इसका डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री। सर ये OH ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब सर यहाँ पे अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो सर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, क्लियर है। तो ये छोटी सी कहानी है, अब यहां से आपको समझना, देखो बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, सॉरी एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तब क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। सर 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल नहीं होता। तो ये छोटी सी कहानी है। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो सर ऑक्सीडेशन की बात करो बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो सर ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट क्यों, किस कौन काम करेगा, क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो सर सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या करे बेटा, रिडक्शन। यानी कि सर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कौन यूज होगा, क्लियर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पहला H2SO4, ये यूज किया जाएगा, H2SO4 यूज किया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। या फिर बेटा यहाँ पे यूज किया जाता है Na2Cr2O7, ये यूज किया जाएगा। या फिर बेटा H2Cr4, ये यूज किया जाता है, क्लियर है। या फिर बेटा यहाँ पे यूज किया जाता है HLO3, इसका भी यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट चलता हूं, क्लियर है, इसको देख लीजिए। ओके बेटा, ठीक है, जनरली इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा बेटा कुछ एक दो और हैं, KMnO4 हो गया जैसे, इसका भी यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर इसके अलावा बेटा CrO3 और इसके साथ H+, इसका भी यूज किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर बेटा H2SO4+CrO3, इसका भी यूज किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको बोला जाता है जोन्स री एजेंट। ये सभी बेटा काम किए जाते हैं, काम यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहाँ पे H2SO4 यूज कर सकते हो, Na2Cr2O7 यूज कर सकते हो, H2CrO4 यूज कर सकते हो, HNO3 यूज कर सकते हो, KMnO4 यूज कर सकते हो, CrO3+H+ यूज कर सकते हो, H2SO4 यूज कर सकते हो, CrO3 यूज कर सकते हो, और जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, जोन्स रीजेंट। जो H2SO4 है, H2SO4+CrO3, इसको कंबाइंडली तौर पे बोला जाता है जोन्स रीजेंट। तो ये सभी है जिनको आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना छोटी सी कहानी, अगर आपने इन तीनों इन सभी में से कोई भी यूज किया तो बेटा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जो एल्कोहल को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से सीधे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे आपने 1 डिग्री एल्कोहल यूज किया तो उस कंडीशन में ये एल्डिहाइड के प्रोसेस पे आएगा, लेकिन बेटा आपको एल्डिहाइड बना के नहीं देगा, यानी कि ये सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री और 3 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये बेटा सीधा से,
टू डिग्री में आप कुछ भी यूज करो सिर्फ कीटोन बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और सर थ्री डिग्री की अगर बात की जाए तो थ्री डिग्री में रिएक्शन पॉसिबल होती ही नहीं। मतलब ये कि वन डिग्री एल्कोहल के केस में यहाँ पे चेंज है, और वो क्या है कि सर अगर वन डिग्री एल्कोहल में आपने इन सभी में से कोई भी रीजन यूज किया तो आपको सीधा सीधा जो प्रोडक्ट के तौर पर जो बना के देगा वो क्या देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी आपकी नॉर्मल सी कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से जो रीजन है जो आपको एल्डिहाइड पर रिएक्शन करके देते हैं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, अब आपको नोट डाल के छोटी सी लिखनी है, और वो क्या लिखनी है कि सर अगर बात की जाए हमें जो प्रोडक्ट के तौर पे क्या चाहिए, एल्डिहाइड। क्या चाहिए बेटा, एल्डिहाइड। इफ यू वांट ओनली ऑन एल्डिहाइड एज ए मेन प्रोडक्ट, कि सर एल्डिहाइड के तौर पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के तौर पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो उस कंडीशन में कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। यहां पर लिखता हूं, ठीक है, नोट डाल के इसको लिख लेना। इफ वी वॉन्ट एल्डिहाइड एज ए मेन प्रोडक्ट, एज ए मेन प्रोडक्ट, देन वी मस्ट यूज तो उस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे वो किस किस के करेंगे बेटा, एक तो आपके पास पीसीसी, एक तो क्या बेटा पीसीसी जिसको बोलते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक होता बेटा पीडीसी जिसे बोलते हैं प्रोडीन प्रीडीन डाइक्रोमेट, एक होता आपके पास CrO3 प्लस CH2Cl2। क्लियर है, जो कैसा था बेटा एनहाइड्रस। क्लियर है, और इसके अलावा यहाँ पे यूज किया जाता है कॉपर प्लस हीट। तो ये चार रिएजेंट है, अगर आप इनको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हो तो ये बेटा आपको कन्वर्ट करके देगा वन डिग्री एल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में, और ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर है, लेकिन टू डिग्री एल्कोहल और थ्री डिग्री में आपने यूज किया इनको भी तो टू डिग्री में सीधा कन्वर्ट होगा कीटोन में, और थ्री डिग्री में बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं करेगा। तो ये छोटा सी कहानी थी, इसको नोट डाल के लिख लेना और आगे चलते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिलहाल इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। क्लियर बेटा, देखिए होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। अब आपको मैं मैकेनिज्म के साथ समझाता हूं कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी है और किस तरीके से पूरी कहानी कंफर्म होगी, ठीक है। आसान से समझना, आराम से समझना, ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। देखिए, जहां पे मैंने वन डिग्री एल्कोहल लिया, जो मेन कन्वर्जन हो किसमें, वन डिग्री एल्कोहल में, टू डिग्री और थ्री डिग्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। अब वन डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो मान लीजिए आपने यहां पर लिखा OH, यहां पर लिखा CH2 और यहां पर लिख दिया CH3, ठीक है, ये कहानी बेटा। क्लियर, और आपने यहां पे इसमें जो डाल दिया वो क्या डाल दिया, मान लीजिए KMnO4 डाला, और KMnO4 की अगर बात की जाए तो किसका काम करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर यहां पे छोटी सी लाइन पड़ी थी, वो क्या पड़ी थी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं साइड में, ठीक है। जो वन डिग्री एल्कोहल है इसका सर जब ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड, R3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तब क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, R3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। सर टू डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो टू डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा बेटा, कीटोन, R3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। और थ्री डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो सर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही होता नहीं है, और सर टू डिग्री का ऑक्सीडेशन भी आगे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये छोटी सी कहानी। तो बेटा KMnO4 यहाँ पे जो आएगा वो सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि सर यहाँ पे आपको जो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। क्लियर बेटा, ये क्या आपके पास एथेनॉल, और एथेनॉल कन्वर्ट किसमें हो रहा है बेटा, सीधा एथेनोइक एसिड में। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है वो आपको मैकेनिज्म के तौर पे समझना, ठीक है, समझना, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि वन डिग्री एल्कोहल में अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले तो वो वन डिग्री एल्कोहल को सीधा कन्वर्ट किसमें करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, दो एल्कोहल में, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो भी कितने कार्बन का बनेगा, दो कार्बन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं और समझना चीजों को आराम से, ठीक बेटा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैकेनिज्म के तौर पर ये लिख रहा हूं, ठीक है। आपने मान लो KMnO4 डाल दिया, या फिर ये मान लो यहाँ पे
H2CR4 डाल दिया, जो भी आपकी इच्छा करे। मान लो यहाँ पे Na2CR2O7 डाल दिया, मान लो यहाँ पे H2SO4 प्लस CrO3 डाल दिया, है ना, सबको कोई भी डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा CH3, ये लिखा CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्लियर है। और आपने इसकी रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ करा दी, H2CrO4 के साथ। अब H2CrO4 के साथ जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जो CR है इसका लुईस बोंड स्ट्रक्चर बनेगा। क्रोमियम की बात की जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, H, ये O, O के साथ क्या गया बेटा H, आया ना इस तरीके से। इसमें कोई डाउट किसी को, चाहे नहीं होगा। अब यहां से अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो सर यहाँ पे ये H और ये OH दोनों क्या करेंगे सर, यहां से H2 का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या होगा बेटा H2 का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर क्रोमियम की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, जो क्रोमियम है ये कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। तो यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम आता है सर 24 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, आर्गन 18, उसके बाद 3D, देन क्या आएगा 4S, एस में 1, ओडी में कितने आएंगे 5। तो सर 18 19 5 कितना हो गया 24 ना सर। यहां से अगर बात की जाए तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं भाई, डी और 4s की अगर बात की जाए, 3d और 4s की, तो दोनों की एनर्जी लगभग लगभग क्या होती है बेटा सेम। तो सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो इसका मतलब क्रोमियम भी जो बॉन्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा बेटा 6 बॉन्ड। अब देखिए जब क्रोमियम 6 बॉन्ड बना रहा है तो सर यहां पे ये क्रोमियम, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहां पे इसके दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यहां पे क्या बचा दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यूज हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। और सर यहाँ पे O और O के साथ क्या बेटा H, हाई ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके यूज हो चुके हैं। क्लियर है, अब समझना है यहाँ पे होगा क्या, अब चीजों को समझना ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे सर ये OH और ये H, H2 का मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होगा बेटा H2 का मॉलिक्यूल। सर ये OH और H यहाँ से कंबाइंड हो गए, यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा बाहर। अब H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो अब ध्यान से सुनना और समझना कि सर ये हमारे पास एल्कोहल है, यहां पे क्या बेटा ये एल्कोहल, एल्कोहल की अगर बात की जाए तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन से, इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री, कितना है बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। अब सर यहां से होगा क्या, ये H और OH दोनों कंबाइंड हो गए, H2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर, तो सर ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ेगा क्रोमियम के साथ, हाय ना भाई, ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके साथ जुड़ेगा बेटा कार्बन के, सॉरी क्रोमियम के साथ। तो यहां से क्या बनेगा CH3 C, यहां पे एक एच, ये दूसरा एच, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CR, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या बेटा H, क्लियर है। ये कहानी है सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहे हैं, ये पहला कार्बन क्या होगा बेटा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता बेटा एसिडिक नेचर, और एसिडिक का मतलब क्या होता है जो सर क्या करे प्रोटोन का ट्रांसफर या प्रोटोन को डोनेट करे, यही होता बेटा। अब यहां से क्या होगा सर, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी कहानी ये है कि बेटा देखो कि सर अब जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा H2 का मॉलिक्यूल, कौन पार्टिसिपेट करेगा H2 का मॉलिक्यूल। अब H2 का मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी कहानी ये है कि सर यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है बेटा एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये जहां से हाइड्रोजन बाहर होगा किसकी फॉर्म में H+ की फॉर्म में, तो सर ये हाइड्रोजन जैसे ही बाहर होगा तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होंगे, और जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया बेटा ऑक्सीजन में, सॉरी क्रोमियम में, हाय। अब यहां से देखो होगा क्या कि सर अल्फा हाइड्रोजन का नेचर की अगर बात की जाए एसिडिक होता है, और एसिडिक का मतलब क्या होता है बेटा प्रोटोन डोनर, क्या होता है बेटा प्रोटोन डोनर, हाय ना। तो सर यहां से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, तो यहां पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बना था बेटा 2 बॉन्ड, उस कंडीशन में ये क्रोमियम क्या करेगा अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब यहां पे रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करा था, जो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, चलो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे करके दिखा देता हूं, आपको शायद यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ समस्या भी होगी, आप आगे समझ लो। देखो बेटा यहां पे हो क्या रहा है कि सर ये H और OH, H2 का मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गया बेटा बाहर,
जैसे ही बाहर हुआ तो सर अब ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड हो गया, क्रोमियम के साथ, तो यहां से क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, O के साथ क्या बेटा यहाँ पे CR डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ये O, और O के साथ क्या बेटा H, ये काफी है। अब सर यहां से अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां से होगा क्या कि सर इस हाइड्रोजन को इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, और यहां पे इस हाइड्रोजन को खोल किस तरह से लिख सकता हूं हाइड्रो। अब यहां पे बेटा जो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये H2 का मॉलिक्यूल इलेक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा। सर यहां से ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन बाहर होगा किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहां से क्या बनेगा बेटा H3O+ हाइड्रोनियम आयन यहां से बाहर। तो जैसे ही सर ये हाइड्रोजन बाहर हो गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, उस कंडीशन में ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, लेकिन ऑक्सीजन बना था कितना बेटा 2 बॉन्ड, तो इस कंडीशन में ये क्रोमियम अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां से क्या बाहर होगा CR, एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा और ये हाइड्रोजन, हाँ ये बाहर होगा, तो यहां से क्या बचा बेटा, देखो यहां से इस कंडीशन में जो बाहर होगा वो क्या होगा बेटा HCRO3-, हाँ ना, क्या कर दिया कुछ मिस्टेक कर दी क्या, नहीं सही है, तो यहां से क्या बाहर होगा बेटा HCRO3-, ये बाहर हो गया यहां से, तो यहां से आपके पास बचा क्या, ये आ गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, यहां पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी कि यहां पे आपको क्या मिला एल्डिहाइड। अब सर यहां से होगा क्या, अब रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा H2 का मॉलिक्यूल। अब H2 के मॉलिक्यूल की बात की जाए, यहां पे लिख रहा हूं ठीक है बेटा, अब H2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 1H 2H, ऑक्सीजन के पास क्या बेटा लोन पेयर अवेलेबल, हां या ना। सर यहां से इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन कैसे हो गया पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन कैसे हो गया पार्शियल पॉजिटिव। सर यहां से होगा क्या कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे खींचेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने लोन पे डोनेट किसको करेगा कार्बन को, तो सर यहां पे ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है किसको कार्बन को, उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ या ना, तो यहां से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H, O ओपन नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन 1H ये दूसरा H, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया इस पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव, आया। अब सर यहां से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहां पे क्या आएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा बेटा डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड आएगा उस कंडीशन में यहां से ये हाइड्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर मूव करेगा, आया ना, तो सर ये ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा बेटा बाहर मूव करेगा। और सर इस ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, इस कंडीशन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए ऑक्सीजन ने, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, तो यहां से क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से क्या बच गया OH, हाँ ना, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है बेटा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड से क्या मिलेगा कार्बन, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से सीधा क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। अब एक बार फिर से देख लीजिए इसका मैकेनिज्म, छोटी सी कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल से समझना। सर यहाँ पे जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल की अगर बात की जाए तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा एक से, इसका मतलब इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। यहाँ पे सर ये जो OH यहाँ पे ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कैसा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन कैसे हुए अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले सर यहाँ से H और OH H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, जैसे H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड हो गया क्रोमियम के साथ, तो यहां से ये बेटा इसी कंडीशन आ गई। सर यहाँ पर अगर बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता बेटा एसिडिक, और एसिडिक का मतलब जो क्या करे सर प्रोटॉन को डोनेट करे, तो प्रोटॉन को डोनेट करके की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा डबल बॉन्ड, उस कंडीशन में क्रोमियम अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जैसे खींचेगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, और ये हाइड्रोजन HCRO3, और यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज कैसा गया बेटा माइनस का। सर जो H2 का मॉलिक्यूल बाहर था ये H2 के मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और यहां से क्या बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और यहां से क्या बनेगा HCRO3-। इस कंडीशन में यहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में रिएक्ट जैसे ही आएगा उस कंडीशन में H2 का मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो बेटा ये कंडीशन यहां से अप्लाई हो जाएगी। इस कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वापस से बैकबॉन्डिंग करेगा, और बैकबॉन्डिंग करेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा बेटा बाहर। सेम कंडीशन में सर यहाँ पे जो H2 है
इस एक्स को ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। तो ये बॉन्ड की अपन किसने खींच लिया बेटा, यहां से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने जैसे खींचे तो यहां से ये हाइड्रोजन पॉजिटिव एच प्लस की फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां से आपको लास्ट प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था बेटा आपका आज का वीडियो जो आपने मैंने तरीके से बना दिया है। बाकी सॉरी बेटा मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं, मेरी कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी है तो मेरी इससे प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहा, तो दो चार दिन मेरे को लगेंगे इस चीज में। आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है बेटा, हमारा तो देखा जाएगा। बाकी आप अपना प्रॉपर फोकस कीजिए पढ़ने पे, प्रॉपर ध्यान दीजिए, तरीके से पढ़ना बेटा। मैंने रिएक्शन का मैकेनिज्म करा दिया है, इस मैकेनिज्म को करना, ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस मैकेनिज्म को आप खुद से करके देखना घर पे, ठीक है बेटा। कि सर ये यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे लिखा बेटा सी एच टू और यहाँ पे लिखा OH, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने से जुड़ रहा है, एक से, इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है किसके प्रेजेंस में, H2Cr4 की प्रेजेंस में, और इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म करके देखना, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।